और फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करना किस तरीके से अपने वीवो के फ़ोन में इजीली जो कि कॉल रिकॉर्डिंग को आप इनेबल कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग करने के बाद वो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सुन सकते हैं ये भी बताऊंगा, वो कॉल रिकॉर्डिंग फाइल कहाँ जाता है ये भी बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको डायलपैड पर जाना होगा। डायलपैड पर जाने के बाद इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नंबर डायल कर लेना है। तो मैं ये नंबर डायल कर लेता हूँ और आप चाहे तो कोई भी डायल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से ये कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया। इसके लिए आपको इनेबल करना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाते कॉल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। आपको इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन रिकॉग्नाइज दिखेगा एक ऑप्शन, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग्स पे क्लिक करना है, और अगर आपका इस पर क्लिक होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करते ही आपका कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ जा रहा है, तो आप इसमें जा कर के पता कर सकते हैं। फाइल मैनेजर में जा कर के आप इसके ऑडियो फाइल में जा कर के आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे ये रहा ऑडियो, इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं।